इंदौर के भंवरकुआ थाना क्षेत्र के पिपलिया पाला तालाब के सर्विस रोड पर एक महिला से मोबाइल स्नैचिंग की घटना सामने आई है। वहीं मोबाइल स्नैचिंग की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। दरअसल इंदौर शहर में चैन स्नैचिंग और मोबाइल स्नैचिंग घटना रुकने का नाम नहीं ले रही। वहीं बुधवार की शाम एक महिला अकेली मोबाइल पर बात करते हुए जा रही थी, तभी बिना नंबर की बाइक पर दो बदमाश आए और महिला का मोबाइल छीन फरार हो गए। ये पिपलिया पाला तालाब के किनारे जो रोड है, सर्विस रोड, उस पर फरियादिया कल शाम को 5:30 बजे जब पैदल जा रही थी, उस समय बिना नंबर की एक HF डीलक्स गाड़ी से दो युवक पीछे से आए और उस जब फरियादिया बात कर रही थी रास्ते में चलते हुए, पैदल चलते हुए, तब उनका मोबाइल पीछे से झपट करके लेकर के मोटरसाइकिल से फरार हो गए हैं। आरोपियों की तलाश की जा रही है, प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है, कुछ संदिग्ध भी हिरासत में लेकर के उनसे पूछताछ जारी है। तो सीसीटीवी में कुछ देख रहा है? सीसीटीवी फुटेज आया है और पीछे से मोटरसाइकिल और आरोपियों का हुलिया दिख रहा है, उसी आधार पर संदिग्धों को पकड़ करके पूछताछ की जा रही है।